लगा सवेरा। तो बजट पर लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन संगम की रेती पर लगे माघ मेले का आज सबसे बड़ा दिन है। मौनी अमावस्या पड़ने की वजह से संगम तट पर आज हजारों लोग महास्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और इस स्नान पर्व पर तकरीबन 50 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जाहिर किया गया। और जिसको लेकर गया मेला प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारी यहां पर की हुई है। मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ जुट रही है, लिहाजा प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। डीएम संजय खत्री के मुताबिक मेले के साथ ही रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे पर एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं और इतना ही नहीं दूसरे विभागों के भी राजपत्रित अधिकारियों को भी पर्याप्त संख्या में लगाया गया है ताकि पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट मिलकर के मेले की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सके। भीड़ 40-50 लाख तक पहुंच सकती है और इसको ध्यान में रखते हुए हमने हर सेक्टर में जितने 5 सेक्टर है हमारे मिनिमम 4 एसडीएम रैंक के अधिकारी लगाए हैं और हर सेक्टर के लिए एक एक एडीएम को प्रभारी बनाया है। इसके अलावा जितना पार्किंग है, रेलवे स्टेशंस है या रूट्स हैं जहाँ जहाँ से पब्लिक का आना होगा, तो हमने हर जगह पे एडीएम साहब को प्रभारी बनाया है और उनके अंडर में कई सारे हम लोगों ने मजिस्ट्रेट लगाए और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनको भी हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया है। अब एक बड़ी सियासी खबर आपको देते हैं। आज मथुरा के दौरे पर पहुंचेंगे जयंत चौधरी, छाता, बलदेव, मांड विधानसभाओं में करेंगे प्रचार। मथुरा की 5 विधानसभाओं में 3 पर SPRLD गठबंधन प्रत्याशी, 2 सीटों पर सपा ने उतारे हैं अपने प्रत्याशी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार माहौल तैयार कर रहे हैं जयंत चौधरी। जैसे जैसे यूपी में होने वाले पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही वैसे सियासी दलों की पहले चरण में आने वाली पश्चिम यूपी की सीटों पर हलचल भी तेज होती जा रही है। जाट वोटों पर अच्छी पकड़ बनाए रखने के लिए मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ के बाद आज जयंत चौधरी मथुरा पहुंचेंगे और यहां भी जाट वोटर्स की बड़ी संख्या है। मथुरा की छाता, बलदेव, मांड विधानसभाओं में आज उनका संवाद कार्यक्रम है और इसके दौरान वो डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। और जहां एक तरफ रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी सपा के साथ मिलकर के पश्चिम यूपी का किला मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके किले में भगदड़ मची हुई है और भाजपा को रालोद के किले में मची इस भगदड़ का बखूबी फायदा भी मिल रहा है। सोमवार को रालोद के मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने भाजपा का दामन थाम लिया, साथ ही सपा से रालोद के गठबंधन के बाद कोर वोटर भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनकी नाराजगी की बातें भी सामने आ रही है। तो रालोद की सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इसको लेकर कुछ जो रालोद के बड़े चेहरे हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं और लगातार ये भगदड़ की स्थिति बनी हुई है रालोद में। मेरठ से RLD के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इस समय हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, तो सपा RLD का जो गठबंधन है, कहा जा रहा है कि वहाँ बड़ा काम करने वाला है, पार्टी कहती है, आपने वहाँ से छोड़कर भाजपा का दामन थामा? नहीं नहीं, देखो जो राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोटर है वो उसमें नाराज हुआ है, तो पहले तो ये था कि भाई समाजवादी से भी ज़्यादा कुछ हमारे लोग नहीं थे, फिर भी चलो जैन जी ने गठबंधन किया, सब तैयार हो गए, सब ने सोच के कि भाई ठीक ठाक सीट मिलेंगी, तो सीटों में भी जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट थोपे हैं और जैसे मेरठ जैसे जिले में कोई राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा, तो इसकी देखो नाराजगी उसमें काफ़ी कुछ नाराजगी है। जैन जी के सब साथ थे पर गठबंधन से कहीं ना कहीं अब नाराजगी हुई है कि आपने मार्ट सीट पर देखा हो कि सिंबल दिया हुआ वापिस हुआ, तो ऐसी काफ़ी सीटों पर हुआ है कि उनके कैंडिडेट हमारे सिम्बलों पे लड़ रहे हैं, हमारे लोग नहीं लड़ पा रहे, तो उसकी नाराजगी उसमें सब में है।